टू माई YouTube चैनल। तो गाइस आज की वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है बिकॉज आज मैं रिएक्ट कर रही हूँ सलमान खान के एटीट्यूड वीडियो पे। तो गाइस इससे पहले मैंने सलमान खान की मूवीज के कुछ सीन्स पे रिएक्शन किया हुआ है, आप लोग वो लाजमी चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी यह है कि भाई का एटीट्यूड देखते हैं और भाई को कौन नहीं जानता, भाई के एटीट्यूड को कौन नहीं जानता, बट ये है कि देख के अच्छा लगता है। वीडियो को करते हैं फिर स्टार्ट, देखते हैं क्या कुछ मिलता है मजीद इस वीडियो में देखने को। 1 2 3 एंड। अच्छा अगर आप गेम खेलते हैं, गेम जानते हैं आप। सलमान भाई टाइम आउट, टाइम आउट। ना, गेम सलमान भाई टाइम आउट। डूड इमाम, यस सर, हद में रहना मेरे साथ। यू डोंट ट्राई व्हाट यू ट्राई इनसाइड विद मी। आई एम नॉट ट्राइंग एनीथिंग। यू आस्क अगेन। ये क्या है, टाइम आउट क्या है? मैं दो नाम से बात कर रहा, टाइम आउट, टाइम आउट कह रहा भाई। काले कट्टी बच्चा, मैं क्या क्या समझाओ अब मुझे। मैं एक शूट कर रहा था, मुझे भाई का फोन आया तो किसी ने आके बोला कि अरे सलमान भाई का फोन आया। मैंने कहा उनको बोल बाद में बात करूंगा, सलमान भाई मतलब वो डांसर। अरे नहीं सलमान भाई मेन वाले हैं। मेन वाले तो मैंने डायरेक्टर बोला सर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। आपने तीनों बड़े खान के साथ फिल्में की हैं, सबसे बेहतरीन एक्टर को? सबसे बेहतरीन रियल लाइफ में भाई सलमान भाई। ऑफ कोर्स एनी टाइम, दिस इज अमेजिंग मैन। पहली पिक्चर मैंने ही की थी इनके साथ। हाँ जी, लेकिन घबराते बहुत है मुझसे, पता नहीं मुझसे घबराते हैं, पता नहीं किसी और से घबराते हैं, पता नहीं क्या है, लेकिन घबराते जरूर हैं। मुझे वैसे ही में बहुत डर लगता है आपसे। भाई सलमान भाई से लोग डरते क्यों? क्या ये सच है उन्होंने बहुत लोगों के करियर डुबाए हैं? क्या ये सच है? विवेक ओबरॉय उन्होंने खुद जाकर ऐसा किया है, ऐसे किया है, तो क्या मतलब छुपाने की क्या बात है? माफी मांगी थी। कौन आए थे? इसमें तो नहीं आ रहे थे, एक दुका में आ जाते थे। फाइटिंग हमें वो औकात ही नहीं है तू फाइट विद सलमान का। मेरे को आप डायरेक्टली बोल देते। सेकंड What is that one thing you really like about Salman Khan? Attitude, bhai ka. पुलिस ने हटाया सबको। सलमान भाई की फैन फॉलोइंग ऐसी है कि लोगों को देखना या फोटो खिंचाना दूर की बात है, उनको हाथ लगाना, चाहे वो औरत हो, वो लड़की हो, आदमी हो, सीनियर सिटीजन हो, बच्चा हो, जो भी हो, ये खाली मैंने सिर्फ सलमान भाई के साथ देखा है वर्ल्ड में। और किसी स्टार के साथ टच करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, छू के देखना चाहते हैं। शाहरुख सलमान आमिर, योर फेवरेट खाना? As an actor, I prefer Salman. And favorite actor in Bollywood?
Yeah, I like Salman. My grandfather was fan of Salman. He said, he's a hero. I like him. Surya. Salman Khan, so I said, someone like Salman Khan, he's a huge star. So that's for you. Yeah, but Salman is Salman Gill. Anna. Superstar, bye. और बॉलीवुड जो है बहुत सारी फिल्में कॉप्स के ऊपर बनाता है, जैसे दबंग, सिंगम, सिम्बा, रॉडी राठौर। अगर आपको इन सब कॉप्स में से किसी कॉप का रोल प्ले करना हो तो किस कॉप का रोल प्ले करना चाहेंगे आप? मैं किसके साथ खड़े हूँ? सलमान खान के साथ ऑब्वियसली, तो इनका नाम लेना पड़ेगा, वरना आई थिंक टाइगर जिंदा रहेगा, टाइग्रेस मर जाएगी। देखो एक ही है टाइगर और वो है सलमान खान। हम तो बाकी, हम तो बिल्ली है उनके सामने, हम तो टाइगर कब है उनके सामने। पर फिल्म का सीन देखो, मैं आपका बिग बॉस नहीं हूँ, जो कि जब बिग बॉस आपको बुलाते हैं तो आप लोग आधा आधा घंटा उनको वेट कराते हो। आज तो सारी हदें आप लोगों ने पार कर दी हैं, सलमान खान को वेट करवा रहे हैं आप। आप लोग बाहर निकलो, मुझसे मिलने की क्या, दूर से देखने की कोशिश कर लो। बहुत ज़्यादा अच्छी रही। बाकी आप लोग मुझे बताइए आप लोगों ने इस वीडियो को कितना ज़्यादा एंजॉय किया है, और सबके मुंह से सुनो सलमान भाई, सलमान खान। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि सलमान भाई, अब उनकी दो मूवीज आई थी, के गाई थी और बजरंगी भाईजान आई थी। इससे पहले मैं नवाजुद्दीन को नहीं जानती थी। सलमान खान के साथ जो आता है ना तो वो छा जाता है, तो हम ये देखते हैं कि वो किसकी वजह से छाया है, किसकी वजह से उसको फेम मिला है। तो भाई सलमान खान की वजह से फेम मिला है। सलमान खान जिसका साथ देने पे आ जाए ना, जहाँ तक मैंने नोट किया है बॉलीवुड में, कि सलमान खान जिसका साथ देने पे आ जाए ना तो उसकी लाइफ बन जाती है, और जो उनके साथ पंगे करता है तो फिर तो, जैसा कि हमने सुना भी है उसमें कि उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि सलमान भाई ने जो है वो बहुत से लोगों के करियर तो उसने कहा कि हाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि माफ़ी मांगते हुए। तो मैंने भी कुछ इस तरह की वीडियोस देखी थी जिसमें विवेक ओब्राय ने सलमान खान के साथ जो है वो कान वान पकड़ के उनसे स्टेज पे माफ़ी मांगी थी, या कुछ इस तरह का रिएक्ट किया था। तो समझने वाले को समझ आ ही जाती है कि वो क्या करना चाह रहा है। तो ये था, और बाकी ये है कि अरिजीत सिंह को भी मैंने देखा था, अब आई डोंट नो कि वो वीडियो फेक थी या जो भी था, लेकिन है। एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी मैं आप लोगों से लाजमी, कि सलमान खान ने ना इस इंडस्ट्री को पूरी लाइफ दी है, 35 ईयर से वो इस इंडस्ट्री में हैं। तो भाई कोई भी अपने काम में कंसिस्टेंट रहता है तो उसको कामयाबी मिलती ही मिलती है। जो जितना टाइम जिस जगह स्पेंड करता है और अच्छी जगह स्पेंड कर ले तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है भाई। सलमान खान ने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, बहुत मेहनत की है, तब जाके उनका एक एटीट्यूड बना है, उनके एक एटीट्यूड की वैल्यू बनी है। एटीट्यूड हर इंसान के अंदर होता है, बट उसका एटीट्यूड देखना हम पसंद करते हैं जिसका इस दुनिया में नाम होता है। तो वही सलमान खान की तो मैं बचपन से फैन हूँ, उनको मैं बचपन से देखती भी आ रही हूँ, तो एक रिस्पेक्ट बटन उनके लिए ऑन है भाई। सलमान खान की तो बात ही अलग है। बाकी यह है कि मैं अदर खान्स के ऊपर भी रिएक्शन लेकर आने की कोशिश करूंगी। बाकी यह है कि अदर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक है वो डाल दिए हैं, जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और सलमान भाई के लिए एक लाइक करते चले जाइए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।